हाय, दिस इज रुचिशा। वेलकम टू द किचन निंजा। अगर अब तक आपने मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सो दैट आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आए। चाट तो आप सभी ने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज किचन निंजा में हम कुछ एक स्पेशल चाट बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं किचन निंजा स्पेशल ब्रेड चना चाट। आज हम यहाँ पे चाट की बहुत ही एक डिफरेंट और यूनिक रेसिपी बनाने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप जितना बॉइल्ड चना लिया है, 1 कप जितना फाइनली चॉप टमेटोज ऐड करेंगे, 1 कप जितना फाइनली चॉप कुकुम्बर ऐड करेंगे, कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें हम, 1 टेबलस्पून जितना रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जितना चाट मसाला, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, 1/3 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 3 to 4 ग्रीन चिलीज, ग्रीन चिलीज आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड करिएगा कम ज़्यादा, 1 टेबलस्पून इसमें हम लेमन ऐड करेंगे, आप लेमन जूस की जगह पे अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जो धनिया पुदीना की चटनी होती है वो इसमें हम ऐड करेंगे, और इसे आपको अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना है सो उसका स्पाइसीनेस और चटपटानेस उसका बना रहे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे आप सभी के घर पे ये चाट तो ज़रूर बनता होगा, लेकिन आज इस चाट को हम कुछ डिफरेंट वे में सर्व करेंगे। सो अगर आपके घर पे कोई गेस्ट है तो आप ये क्विक और इजीली इंस्टेंटली बना सकते हो, और आई एम श्योर आपके गेस्ट को बहुत ही अच्छे लगेंगे ये चाट। सो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर अब तक आपने मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा सो दैट आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आए। ये चना चाट तो हमारा रेडी हो चुका है, अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करके इसे मैंने रेडी कर लिया है। अब इसे सर्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे ब्रेड के 2 स्लाइस लिए हैं। आज इस चाट को हम ब्रेड पे सर्व करने वाले हैं, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। अब इस ब्रेड को हम थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे अच्छे से बेलन से। दोनों भी ब्रेड को मैंने अच्छे से फ्लैटन कर लिया है रोल करके। अब मैंने यहाँ पे एक मोल्ड लिया है, इसे हम अच्छे से पीसेस कर लेंगे सर्कल में, इस तरह से। इस तरह से सारे हम ब्रेड के पीसेस रेडी कर लेंगे। ये जो आपके ब्रेड के पीसेस बचे हैं आप उसे फेंकिएगा मत, आप इसका ब्रेड क्रम्स बना सकते हो और आगे कोई भी रेसिपी में आप इसे यूज़ कर सकते हो। सारे ब्रेड के पीसेस मैंने यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। अब ये चाट है, मैं आज यहाँ पे इसे ब्रेड में बना रही हूँ, लेकिन अगर आप ब्रेड नहीं खाते हो तो आप इसे रोटी में भी बना सकते हो। जैसे कि आपने रोटी बेल लिया, रोटी को इस साइड्स का आप कट कर दीजिए और उसे टोस्ट कर दीजिए, अच्छे से क्रिस्प कर दीजिए, या आप भाकरी में भी इसे बना सकते हो। सो टोटली योर चॉइस, आप किस में इसे सर्व करना चाहते हो। अब मैंने यहाँ पे एक ग्रिल पैन लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया है। बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे हम, जो हमने ब्रेड के पीसेस कट करके रखे थे वो इस पर हम डालेंगे और इसे अच्छे से क्रिस्प होने देंगे दोनों भी साइड। तब तक इसे हम सेक लेंगे। ये रेसिपी बनाने के लिए आप सारी तैयारी पहले भी कर सकते हो, और जब आपके घर पे गेस्ट है तो आप इसे इंस्टेंट सर्व भी कर सकते हो। 30 सेकेंड्स हो चुके हैं, अब इसे हम फ्लिप कर लेंगे। आप देख सकते हो एक साइड बहुत ही अच्छे से हमारा क्रिस्प हो चुका है, इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसे क्रिस्प कर देंगे। सारे ब्रेड हमारे दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे हम और इसे हम ले लेंगे। ब्रेड हमारे हल्के से गर्म है, इसे हम सिर्फ थोड़ा सा ठंडा होने देंगे सो दैट जब हम चाट असेंबल करें तो ये थोड़ा सा सॉगी ना हो जाए। ब्रेड हमारे हल्के से ठंडे हो चुके हैं, अब इसमें हम कुछ चटनी लगाएंगे। सबसे पहले इसमें हम यहाँ पे मीठी चटनी लगाएंगे। मैं यहाँ पे मीठी चटनी और ग्रीन चटनी अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी डायरेक्टली सर्व कर सकते हो, या आप इसमें अपनी चॉइस के कोई भी सॉसेस ऐड कर सकते हो, टोटली योर चॉइस। इसी तरह से सारे ब्रेड्स हम रेडी कर लेंगे। सारे ब्रेड के पीसेस को पहले चटनी लगा के
रेडी कर लिया है। जो मिक्सचर हमने बनाया था चने का, वो इस पे हम स्प्रेड करेंगे अच्छे से। मैंने चाट को सर्विंग प्लेट में ले लिया है। अब इस पे हम थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करेंगे। ट्रस्ट मी, चीज़ ऐड करने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आप चीज़ नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, या आप चीज़ की जगह पे पनीर भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत ही डिलीशियस लगेगा। अब थोड़ा सा नायलॉन सेव ऐड करेंगे। चाट है तो नायलॉन सेव के बिना तो चाट मज़ा नहीं आता है। कोरिएंडर लीव से थोड़ा गार्निश कर देंगे इसे हम। हमारा डिलीशियस ब्रेड चना चाट रेडी है टू सर्व।